शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। देखो सबसे पहले इसको आप तीन मॉलिक्यूल के एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला आपके पास में है वाटर, ठीक है। तो वाटर के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना पड़ेगा। लिखिए एक बार आप लोग, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऑक्सीजन के बारे में अगर आप लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ऑर्बिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आप ये लिख देंगे 2s2, 2p4। और ऑक्सीजन से जब वाटर का फॉर्मेशन होगा, मतलब H2O बनेगा, क्या बनेगा, H2O, तो आपके पास जो कंडीशन आएगी वो कुछ ऐसी होगी, 1s2 यहाँ एज इट इज, यहाँ 2s2 एज इट इज, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो यहाँ पर हैं, तो उसमें एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक। इसको अगर हमने बोला कि ये px ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है और ये pz ऑर्बिटल, तो px और py के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होगा, हर एक p कक्षक में कितना बंद कोण होता है, 90 डिग्री का। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से, VBT के हिसाब से, H2O में जो थीटा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, कितना होना चाहिए। लेकिन इसकी जो वास्तविकता है, क्या है इसकी, वो ये है कि जल के अणु का जो बंद कोण होता है वो कितना होता है, 104.5 डिग्री, ये होता है। बात समझ रहे हो आप लोग। अरे जो पी कक्षक होते हैं कौन से कोण पर होते हैं, 90 पर ही होते हैं। एक का नाम आपने क्या बोला, px, एक का क्या बोला, py, एक का क्या बोला, pz। तो अगर p कक्षक बंध का निर्माण कर रहे हैं तो जो p से जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड भी कौन से कोण पर होगा, 90 पर ही होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो पानी है उसका बंध कोण कितना आ रहा है, 104.5। तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो गई, VBT फेल हो गई, VBT फेल हो गई। ऐसे ही हम एक और मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं, वो आप यहाँ देखें। मान लीजिए मेरे पास में NH3 है, NH3 मतलब कौन है, अमोनिया। अमोनिया में सबसे पहले अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p3, होगा कि नहीं होगा। तो अमोनिया में अगर नाइट्रोजन का फिर से ऑर्बिटल फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये 1s2 है, ये 2s2 हो गया और ये आपके पास में कौन हो गया, 2p3। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और इससे हमने क्या बना रहा है, हम बना रहे हैं इसे NH3। तो NH3 में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, ये 1s2 एज इट इज, यहाँ ये 2 एज इट इज और यहाँ पर ये 3 एज इट इज। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। और जो तीनों कक्षक हैं कौन 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 से हैं, px, py, pz, और इन तीनों में जो थीटा है, NH3 में जो थीटा है यहाँ पर, वो VBT के हिसाब से कितना होना चाहिए,
होना चाहिए। वी बी टी के हिसाब से थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री। लेकिन वास्तविकता में, रियलिटी में, जो अमोनिया का बॉन्ड, ये आप लोग नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? रियलिटी में अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना है? 107 डिग्री, 107 डिग्री। तो फिर से कौन फेल हो गई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फ्लॉप हो गई। एक और बात देखी जाए, ये पहले दो पॉइंट समझ में आ गए आपको। अब तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में CH4 है। कौन है मेरे पास में? इन दोनों को नोट डाउन करो आप। अब मेरे पास में एक CH4 है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? 1s2, 2s2, 2p2। ग्राउंड स्टेट में इसकी वैलेंसी कितनी होती है? दो। और एक्साइटेड स्टेट में तो कार्बन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें, कौन से स्टेट में, तो 1s2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? हीलियम। और बाकी 2s की जगह ये एक, और 2s में एक जंप करके यहाँ चला गया, है कि नहीं है? और मान लेते हैं कि हम इससे CH4 का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं? CH4 का। तो CH4 के फॉर्मेशन में क्या होगा? ये हीलियम की तरह एज इट इज रहेगा, सन्नाटा। ये एज इट इज रहेगा हीलियम, इसका कोई रोल नहीं क्योंकि अंदर वाले शेल का हिस्सा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक सन्नाटा बैठा है और यहाँ पर ये तीन सन्नाटे बैठे हैं। और फिर हाइड्रोजन यहाँ पर अगर ओवरलैप करने आएगा, तो हाइड्रोजन एक तो इस सन्नाटे से करेगा ओवरलैप, एक इससे करेगा, एक इससे करेगा, और एक इससे करेगा। एच 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 और एच। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही बेसिस माना जाए। नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बेसिस माना जाए, तो CH4 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ये जो तीन बॉन्ड बन रहे हैं, कौन सी ओवरलैपिंग से बन रहे हैं? sp ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन का क्या काम आ रहा है इसमें? sp होता ही नहीं उसके पास में। p होता है क्या? होता है हाइड्रोजन के पास में p? कार्बन के पास में सिर्फ s होता। तो और ये किससे बन रहा है? ss, क्योंकि आपके पास में क्या था? ये 2s था और ये कौन था? 2p। तो CH4 की अगर बात की जाए, तो CH4 के केस में ऑल थ्री बॉन्ड्स मस्ट बी सेम, एक जैसे होने चाहिए, और इनके बीच में थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्योंकि तीन बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बन रहे हैं? sp ओवरलैपिंग से। तो तीन बॉन्ड क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, और किस एंगल पर होने चाहिए? 90 डिग्री पर। जबकि जो चौथा फोर्थ बॉन्ड है, फोर्थ बॉन्ड, वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किससे बन रहा है? ss ओवरलैपिंग से। और उसका इन सबके बीच का कोण आप नहीं बता सकते, क्योंकि एस कैसा होता है? स्फेरिकल। तो यहां पर कोई थीटा नहीं होगा।
लेकिन सच्चाई ये है कि CH4 में ऑल बॉन्ड्स आर सेम, सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, ऑल बॉन्ड्स आर सेम, सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, उनकी लेंथ एक समान है और थीटा सेम है, सारे बॉन्ड सेम है और में थीटा कितना है, सेम कितना, 109 डिग्री और 28 मिनट। ये पता है मीथेन का बंद कोण कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट। तो CH4 को एक्सप्लेन करने में भी कौन फेल हो गई, VBT फेल हो गई, VBT फेल्ड, फेल हो गई। किसको एक्सप्लेन करने में, CH4 के स्ट्रक्चर कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे तीन एंगल तो कितने होने चाहिए थे, 90 के, और एक क्या होना चाहिए था उससे अलग, लेकिन अपन ने क्या देखा कि सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सेम है, और एंगल कितना है सब में, 109 डिग्री। ये बॉन्ड लिखा हुआ है भाई, ऑल द बॉन्ड्स आर सेम, ऑल थ्री बॉन्ड्स, तीन बॉन्ड कैसे होने चाहिए, बिल्कुल, और चौथा क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ये सच्चाई है, ऑल बॉन्ड्स आर सेम और एंगल कितना है, 109 डिग्री, तो सारी की सारी चीजें सेम है। हो गया नोट डाउन सबका, आगे चलते हैं। तो इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में कौन आया, हाइब्रिडाइजेशन, इसको आप बोलते हो संकरण, क्या बोलते हो, जो सारी चीजों को सेम करने की बात कर रहे हैं ना, जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको बताया जाए हाइब्रिडाइजेशन का। मान लेते हैं हमारे पास में चार ग्लास, बनाओ एक बार चारों ग्लास, चारों ग्लास, और इसमें दारू है, ठीक है ना, इनको बनाओ और कॉन्सेप्ट समझो, दारू तो आती रहेगी बाद में। एक में दारू है, दूसरे में बियर बोल सकते हो, तीसरे में शरबत, चौथे में पानी है। मान लेते हैं कि इनको भी छोड़ो, मान लेते हैं आपके घर पे दो दोस्त आए और उसमें से आपने एक को जो है वो बियर पिलाई और एक को शरबत पिलाई, कौन से दोस्त को ज़्यादा मज़ा आ गया, बियर वाले को ज़्यादा मज़ा आ गया, उसको बियर मिली, शरबत वाले को मज़ा नहीं आया। अब आप ये चाहते हो कि दोनों दोस्तों को बराबर मज़ा आए, क्या ऑप्शन है उसके लिए,
भाग के जाके बियर ले आएंगे उसके लिए भी। बोले अभी तो हमारे पास में 8 नहीं बजे हैं, ठीक है, तो अपन भाग के जाके और लेके आ सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम दोनों क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। 2 ग्लास आपके पास में, दोनों ग्लासेस को हमने जग में डाला और मिक्स कर दिया। अब उस केस में अगर आप दो दोस्तों को पिला रहे हो तो इम्पैक्ट उनके ऊपर आएगा, वो क्या आएगा, सेम इम्पैक्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये आपने मिक्स कर दिया। अब दोनों में ना तो शरबत बची ना ही आपके पास में बियर बची, मिक्स कंटेंट हो गया ना वो। ऐसे ही मान लेते हैं हमारे पास में, इसमें हमने बोल दिया कि यहाँ हमारे पास में दारू है, यहाँ हमारे पास में बियर है, यहाँ हमारे पास में सादा पानी है और कुछ नहीं है, और यहाँ शरबत है। तो अगर आप अलग अलग लोगों को ये 4 ग्लास पिलाओगे तो सबसे दुखी ये होगा, ठीक है ना, इसके जीवन में सारी खुशियाँ खत्म हो गई है, ये सबसे परेशान है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि इम्पैक्ट बिल्कुल सेम आए, सभी को बराबर आनंद आए, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे मिक्स करोगे इनको, जग में डाल देंगे सबको। तुम ग्लास टू ग्लास क्या मिक्स करोगे, गधों, तो वो गिर जाएगा। मिक्सिंग कैसे करते हो तो पता है तुमको, जग इसी काम के लिए होता है। तो हमारे पास में हम क्या करेंगे, इन 4 ग्लासेस को लेकर जग में मिक्स कर देंगे। 1 2 3 4, 4 ग्लास ले लिए और एक जग में डाल दिए, और जग में इनका सारा कंटेंट मिक्स हो गया। तो उसके बाद में वापस से ग्लास भर देंगे अपन। आप कितने ग्लास भरेंगे, क्या सब में जो कंटेंट होगा वो प्योर होगा या मिक्स्ड होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे जोर से बोलो। अब हर एक में जो कंटेंट है वो क्या होगा, अलग अलग होगा या सेम होगा। पहले क्या था सब में कंटेंट, अलग अलग। पहले आप किसी भी ग्लास को उठा के पी रहे थे तो हर एक से टेस्ट क्या आ रहा था, अलग अलग। अब क्या आएगा, सब में सेम आएगा। तो उस ग्लास को आप क्या बोल सकते हो, दैट विल बी हाइब्रिड ग्लास। उसका जो कंटेंट है वो क्या है, हाइब्रिड है। अब इसमें फिर से 4 ग्लास भर गए, 1 2 3 4, और हर एक का जो कंटेंट है वो कैसा है, हाँ, अब उसको आप बोलोगे हाइब्रिड ड्रिंक, हाइब्रिड ड्रिंक। और ऑब्वियसली बात है, 4 ही ग्लास भरे हैं, या आप हिंदी में बोल सकते हो उसको संकरित पेय। संकरित पेय हमारे पास में है, या आप क्या बोल रहे हो, हाइब्रिड ड्रिंक। जो हाइब्रिड ड्रिंक होगा उसका इंपैक्ट क्या आएगा, एक समान, हाइब्रिड ड्रिंक से दोस्तों को बराबर आनंद आएगा। एक समान आनंद आएगा। तो हम लोग हमारी ज़िंदगी में हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? जैसे मान लीजिए आपने घर पर कोई सब्जी बनाई, तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करी आपने, आपका सब्जी भी होगी उसमें, तेल भी होगा, नमक भी होगा, मिर्च भी होगी। ऐसा थोड़ी ना करते हो कि आप पहले, जैसे मान लो आपने अगर लौकी की सब्जी बनाई तो पहले लौकी काट के थोड़ी सी खा ली, फिर थोड़ी सी मिर्ची खा ली, फिर नमक थोड़ा सा, थोड़ा धनिया खा लिया, फिर तेल पी लिया, लास्ट में सब्जी बन गई, काम हो गया। ऐसा करते हो क्या आप लोग, पहले सब मिक्स कर लेते हो तो सबका टेस्ट आपको एक साथ आता है, तो हाइब्रिड कंटेंट ही तो है वो।
रह गई नहीं है, ये नोट डाउन हो गया सबका। वापस देखो एक बार इसको, CH4 के फॉर्मेशन में ओवरलैपिंग तीन तो कौन सी हुई और एक कौन सी हुई, और हम लोगों ने क्या, हम लोग क्या जानते हैं कि जो आपके पास SP ओवरलैपिंग होती है वो SS से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सबसे स्ट्रांग PP, फिर SP, फिर और उससे स्ट्रांग कौन सी होती है, संकरित कक्षकों की ओवरलैपिंग। कल बताया था ना आपको, सबसे स्ट्रांग SP3, SP3, फिर SP2, SP2, फिर SP, SP, याद है। तो यहाँ पर ये तीन बंद तो क्या होने चाहिए थे, स्ट्रांग होने चाहिए थे, और चौथा क्या होना चाहिए था, कमज़ोर होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या बोला, अब सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं, सेम हैं, और सबकी एनर्जी क्या है, एक समान है, सबकी लेंथ भी क्या है, एक समान। जबकि इन रियल लेंथ क्या होनी चाहिए थी इनकी, अलग अलग। अरे जो पी से बन रहे हैं, पी और एस से, उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, बजाय किसके, जो किससे बन रहा है, एस एस से। लेकिन सभी के लेंथ समान है, सभी के बीच में कोण समान है, और सभी की ऊर्जा भी क्या है, समान है। तो यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या हो गई, फ्लॉप हो गई या फेल हो गई। तो इसलिए जो नया कॉन्सेप्ट आया वो कौन सा आया, हाइब्रिडाइज, जो किस पर बेस्ड है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पर, कि जब कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो पहले उनकी क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, मिक्सिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। समझ रहे हो, तो लिखो एक बार इसमें, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ना हमारे पास में, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले, बॉन्ड फॉर्मेशन या अतिव्यापन से पहले, या अतिव्यापन से पहले, कक्षकों की मिक्सिंग होती है। और उसी मिक्सिंग को आप क्या बोलते हो, उसी मिक्सिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। उसी मिक्सिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बताया, बॉन्ड फॉर्मेशन या अतिव्यापन से पहले क्या होता है, कक्षकों की मिक्सिंग क्या होती है, मिक्सिंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जब कार्बन बंध का निर्माण करता है तो कार्बन में एक एस और तीन पी काम में नहीं आते, पहले क्या हो जाएगा, एक एस और तीन पी सबके सब आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स, चूरमा बन जाएगा ना। चूरमे का नाम सुना है, चूरमे में क्या होता है, मतलब चूरमा अपन जो है जब खाते हैं तो कैसे खाते हैं, पहले गेहूं की भाकी मारेंगे, उसको चबाएंगे, फिर घी पी लेंगे थोड़ा सा, फिर थोड़ी चीनी पी लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, जो भी चास नहीं बनी तो पी लेंगे, फिर थोड़ी इलायची खा लेंगे, थोड़े बादाम खा लेंगे, फिर काजू खा लेंगे, फिर यहाँ चूरमा बन गया, हम खा लेंगे। अरे चूरमा प्योर है कि हाइब्रिड है, जैसे मैं आपको कुछ एक सन्नाटे दिखाता हूँ, बिल्कुल आपके जैसे दिखते हैं वो शक्ल में, देखो एक बार। अरे क्या जिस कैसे मूवमेंट हो रहा है इसका यार, इसका मूवमेंट ही प्रॉपर नहीं हो रहा, चल नहीं पा रहा है ये देखो, ये शेर गया आपके जैसा,
अरे भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ। ये देखो, ये पीछे से क्या है? टाइगर है। आगे से क्या है? लॉयन है। प्योर है कि हाइब्रिड है? ये हाइब्रिड है, ये मिक्सिंग हो रखी है उसमें दो चीज़ों की। ऐसे कुछ और सन्नाटे बिल्कुल आपके जैसे हैं, वो आप पे और उनमें जो है वो कोई अंतर नहीं होगा। आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो, ये देख पा रहे हो आप लोग? इसको देखो, ये पीछे से घोड़ा आगे से मछली है, शार्क, और ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। ठीक है, पीछे से जो है एक बाज है, कबूतर, गधों कबूतर काला होता है, कौवा नहीं है इसके। इसके देखो पंजे, कौवा है। तुमने देखा ही कौवा है आज तक? कौवा ऐसा दिखता है, उल्लू के पट्टों। ये बाज है। और ये देखो, ये कौन है? हाँ, पीछे से कंगारू, आगे से कौन है? सब में मिक्सिंग हो रखी है। इनमें सब में क्या हो रखी है? मिक्सिंग हो रखी है। ठीक है, सब में मिक्सिंग हो रखी है। अपन यहाँ बात कर रहे थे तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उससे पहले क्या हो जाती है? ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है। उससे क्या बनते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक सेकंड। चलो तो अपन हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पर आ रहे हैं। तो देखो, कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए सबसे पहले आपके पास जो थ्योरी आई थी वो कौन सी थी, जो किस पर बेस्ड है? उसके बाद में कौन सी थ्योरी आई? और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो एडवांस थ्योरी, उसका नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। उसके साथ में दो और थ्योरीज आई, एक का नाम क्या है? ठीक है, इतना क्लियर है सब लोगों को? ये बात क्लियर है सबको? पक्का ये क्लियर है सबको? तो अब हम लोग एक बार ये देखते हैं कि हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे कि जब कार्बन किसका फॉर्मेशन करेगा? बॉन्ड का। तो क्या हो जाएगा इसमें? कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने कक्षक हैं? चार, जो बॉन्ड बना रहे हैं। एक तो कौन सा है? एस। और तीन कौन से हैं? पी। तो चारों क्या हो जाएंगे आपस में? मिक्स। उससे क्या बनेंगे? संकरित कक्षक। क्या बनेंगे? कितने बनेंगे? चार। जब जग में चार गिलास डाले थे तो कितने भरे थे वापस? ऑर्बिटल चार मिक्स होंगे तो कितने बनेंगे वापस? चारों का नाम क्या होगा? sp3, sp3 और sp3। ये कार्बन दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है ऑर्बिटल? ये भी दिख रहा है? तो जो सारी की सारी ओवरलैपिंग होगी, वो ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है बेसिकली? वो हो रही है sp3 एस। sp3 किसका ऑर्बिटल है? ये कार्बन का संकरित कक्षक है। ये कौन है? कार्बन का संकरित कक्षक। जबकि आपके पास ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, ठीक है ना? ये हम लोग लिख रहे हैं यहां पर फॉर्मेशन ऑफ CH4 बाय हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक लिख लेना, ये फॉर्मेशन ऑफ CH4 बाय, अरे बोलो तो सही, फॉर्मेशन ऑफ बाय कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये होगा कि पहले सारे ऑर्बिटल्स की क्या हो जाएगी इसमें? मिक्सिंग हो जाएगी। और संकरित कक्षक कैसे बनाते हैं पता है क्या आपको? हाँ, लॉब के अंदर लॉब होती है, गोले के अंदर गोला होता है। ये जो तरीका, ऐसा कोई कक्षक दिखे ना आपको तो वो कक्षक क्या है? संकरित है, वो प्योर कक्षक नहीं है। समझ रहे हो? लॉब के अंदर लॉब। अरे जोर से बोलो। तो क्या होता है?
तो ये पढ़ो एक बार जोर से, क्या लिखा हुआ है सब लोग? मिक्सिंग होगी। कितने ऑर्बिटल्स हैं टोटल? चार। एक तो एस है और तीन क्या है? पी। तो चार क्या बन जाएंगे? sp3, 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 sp3। मिक्सिंग से क्या बनेगा? और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? sp3s। कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल होगा उसमें? sp3। और हाइड्रोजन का s। और अब सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे या फिर क्या होंगे? एक समान। फिर उसमें एक और टॉपिक लिख लेना, संकरित कक्षक का प्रदर्शन। तो संकरित कक्षक को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? लोब के अंदर लोब। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत ज्यादा। अरे लिख लिया क्या एक और टॉपिक? संकरित कक्षक का प्रदर्शन में लिख लेना कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लोब के अंदर। और ये सब बना लिया डायग्राम? प्रॉपर बनाओ इसको सब लोग। तो अब सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं? एक समान। और सारे बंद कोण भी क्या हैं? एक समान। सारे बॉन्ड एंगल भी एक समान है। तो संकरित कक्षक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लोब के अंदर लोब, क्योंकि वो मिक्सिंग को रिप्रेजेंट करता। अब यहां देखो एक बार, इसको हटा दूं मैं। देखो अगर मैं सिर्फ CH4 की बात करता हूं, CH4 मॉलिक्यूल ओवरलैपिंग, CH4 मॉलिक्यूल, जोर से बोलते मर जाओगे। लिख लिया सबने? अरे बोलो तो सही। अब CH4 के मॉलिक्यूल की ओवरलैपिंग दो टाइप की हो सकती है, अगर VBT के हिसाब से माना जाए और हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से माना जाए। तो VBT के हिसाब से इसमें चार बॉन्ड हैं, sp वाले बॉन्ड कितने हैं? 3CH बॉन्ड तो क्या है? sp ओवरलैपिंग वाले। और एक बॉन्ड क्या है? पक्का? ठीक है, तो तीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्या हो जाएगा इसमें? तीन बॉन्ड क्या होंगे? एक समान। लेकिन सच्चाई क्या है? चारों बॉन्ड आपके पास में क्या है इसमें? एक समान। तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ओवरलैपिंग कौन सी है? ये sp3 है। ऑल CH बॉन्ड्स।
सबका नोट डाउन हो गया है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से CH4 में कौन कौन से बॉन्ड किसके हिसाब से हैं? तीन तो कैसे हैं, किसके हिसाब से है? और एक बॉन्ड कैसा है? लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं? sp3 s ओवरलैपिंग से बने। समझ में आती है क्या बात ये? संकरण। ठीक है, आगे लिखिए आप लोग। संकरण को ज्ञात करने का तरीका, अगला टॉपिक कौन सा है? संकरण को ज्ञात करने का तरीका। इसको हटा दूं मैं? जल्दी नोट डाउन कर लो भाई इसको। साथ के साथ नोट डाउन किया करो आप लोग, तब तो क्लास में समझ में आएगा, वरना तो क्या ही समझ में आएगा तुम्हें। 2 घंटे पहले लिखी हुई बात है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से 3 बॉन्ड कैसे बन रहे हैं और एक। अब अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है? संकरण को ज्ञात करने का तरीका, कि संकरण को अपन ज्ञात कैसे करते। संकरण ज्ञात करने का तरीका, तो संकरण को ज्ञात करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या और लोन पेयर की संख्या को जोड़ देते हैं। किसकी संख्या को जोड़ देंगे? सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस इनकी संख्या को आपस में। अरे यस और नो? तो जितना भी योग आएगा उसके हिसाब से संकरण आ जाएगा हमारे पास में। उसके हिसाब से क्या जाएगा? देखो, किसी भी एक सामान्य कोष में, किसमें? सामान्य कोष में जो कक्षक होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं? पहले कौन होता है? एस, फिर पी के तीन होंगे ना यार, अरे 3 कक्षक होते ना पी के, फिर डी आएगा। एक ही बार लिखूं क्या डी? कम से कम कितनी बार? कम से कम क्या 5 बार ही लिखना पड़ेगा? कम से कम क्या होता है इसमें? और फिर एफ लिखना पड़ेगा, कितनी बार लिखना पड़ेगा? 7 बार। तो अब मान लेते हैं कि इन दोनों सन्नाटों का योग कितना आया? 2 आया। योग 1 आ सकता है क्या? अरे संकरण के लिए कम से कम कितने कक्षक होने चाहिए? 1 में हो जाएगा संकरण? खुद ही घूम के खुद में घुस गया, हो सकता है ऐसा संकरण? नहीं, बताओ बताओ, कम से कम कितने होने चाहिए? 2। तो अगर इनका योग कितना आया? 2। कितना आया? 2। तो उसको क्या बोलेंगे? sp संकरण। योग कितना आया? 2। तब क्या बोलेंगे? इन दोनों सन्नाटों का योग 3 आया, तब क्या बोलेंगे? योग अगर 4 आया तो? 5 आया तो योग? 6 आया तो? 7 आया तो? समझ में आती है बात? ये योग 5 आया, ये 6 आया, ये 7 आया। और योग अगर 7 आया तो कौन सा संकरण बोलेंगे? अरे देखो ना यार, 1 ये, 3 ये, 1 और 3 कितने? 4, 4 और 3 7। योग 6 आया तो? 5 आया तो? 4 आया तो? 3 आया तो? 2 आया तो? 1 आया तो? आएगा ही नहीं, उसको संकरण नहीं बोल सकते आप। अरे समझ रहे हो? किसको जोड़ना है? पाई बॉन्ड को कभी भी संकरण ज्ञात करने के लिए क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि संकरित कक्षक कभी भी पाई बॉन्ड, कौन से कक्षक क्या नहीं बनाते? बनाते हैं क्या? सिर्फ क्या बनाते हैं?
और उन संकरित कक्षकों में क्या हो सकता है? यस, लोन पेयर हो सकता है उनमें, हो सकता है उनमें, होता ही है, होगा तो होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लोन पेयर क्या खाक होगा? लोन पेयर हो सकता है उनमें, अरे संकरण ज्ञात करने के लिए किसको जोड़ोगे? हाथी की पूंछ को और गाय के सींग को, किसको जोड़ोगे? सिग्मा बॉन्ड को और लोन पेयर को। लोन पेयर मतलब समझते हो? किसको बुला के लाओगे? काका है काकी, काका गधों, तुम दो चार को तो मैं ना अलग से कूटूंगा किसी दिन, और तुम भागते फिरोगे, काका काका करते फिरोगे यहां से। वहां किसको जोड़ोगे आपस में? एक काकी को बुला के लाओ, काकी दरा, है ना, एक काकी को बुला के लाओगे और फिर काकी को जोड़ोगे। तो लोन पेयर का मतलब पता है ना आपको? बाह्यतम कोश के वे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग क्या कहलाते हैं? हाथी का बच्चा, एक काकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अरे समझ में आ गई क्या बात है? पक्का? हटा दूँ उसको मैं? इसमें से बताओ कौन सा गलत है, पहले तो लिखो इसको, कौन सा गलत है बताना है। सवाल का नाम है कौन सा संकरण गलत है, सवाल का नाम क्या है? अरे जोर से तो बोलो। हाँ गलत एक भी नहीं, क्योंकि मेरे ही सवाल किए हुए हैं सारे, तो गलत इसमें एक भी नहीं आएगा। फिर भी तुम गलती निकाल दो तो निकाल सकते हो, तुम खिलाड़ी लोग हो। केंद्रीय परमाणु का संकरण ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है? ये रहा केंद्रीय परमाणु सन्नाटा, ये रहा यहाँ सन्नाटा, यहाँ इस सन्नाटे का ज्ञात करना है, यहाँ इस सन्नाटे का ज्ञात करना है, और वन बाय वन सबसे पूछता जाऊंगा मैं, है ना। संकरण ज्ञात करने के लिए किसको जोड़ते हैं? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को, या पाई बॉन्ड को। तो यहां देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? अभी अगर ये तुमको वापस सिखाना पड़ रहा है ना, तो माथा फोड़ लो खुद का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 100 बार समझाया तुमको, फॉर्मल चार्ज में समझा दिया 1000 बार। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये चार। क्या होता है विन्यास? तो चार ही तो हुए, छह कैसे हुए? चार तो छह होते। अच्छा, पांच और एक छह नहीं होते, और तीन छह नहीं होते, सात में से एक गया तब छह नहीं होंगे। कदों बाह्यतम कोश कौन सा है? सेकंड। और उसका विन्यास क्या लिखा हमने? 1s2 2s2 2p4। ये तो बाह्यतम उपकोश है, और बाह्यतम कोश कौन सा है? तो ये पूरा बाह्यतम कोश है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? पक्का 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 में से 2 से क्या बना लिए इसने? कितने बच गए? चार। चार का मतलब कितने लोन पेयर? दो है कि नहीं है? सिग्मा बॉन्ड कितने बने और लोन पेयर जोड़ो दोनों? चार का मतलब पक्का? बाकी सब याद करो।